आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। राइटर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में यूथ हॉस्टल में काव्य कृति विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग के सदस्य निर्मला दीक्षित ने शिक्षिका एवं कवियत्री अलका अग्रवाल के तीसरे काव्य संग्रह इंद्रधनुष का विमोचन किया। जो आयोजन यहाँ हो रहा है वो मेरी काव्य कृति है, तीसरी इंद्रधनुष काव्य संग्रह है, जिसमें मैंने सात भावों को लिया है, अपने मन के सात भावों को लिया है, जिसमें प्रेम रिश्ते कोरोना, राष्ट्र प्रेम, मानवीयकरण, नारी सशक्तिकरण, प्रेरणात्मक, ये सारे भाव लिए हैं। और कुछ मैंने अपने शब्दों का चयन इस तरह से किया है कि पढ़ने वाली जो युवा पीढ़ी है और जो हमारी आगे की आने वाली भावी पीढ़ी है, वो मेरे शब्दों को पढ़कर उनका हृदय परिवर्तन हो सके और वो समाज के प्रति जागरूक होकर हमारे देश के प्रति, अपने समाज के प्रति कुछ करने की इच्छा जागृत करें अपने मन में। और मेरा मानना है कि तलवार से ज़्यादा सशक्त जो होती है वो कलम होती है। अगर कलम के द्वारा शब्द इस तरह से निकलते हैं कि सामने वाले के हृदय पर प्रहार कर सकें, तो हृदय परिवर्तन अवश्य होता है। बड़ा प्रेम भाव से निमंत्रण दिया इन्होंने और वो सब काम छोड़ के आदमी अभी मैंने कविता कल पढ़ी थी इनकी, एक उनमें से बहुत सुंदर भाव लिखे हैं, बहुत अच्छी कविता लिखी है इन्होंने, तो अभी पढ़ने का अवसर मिला नहीं मुझे, तो मैं आशा करता हूँ कि पहले की दो जो संग्रह हैं बड़े अच्छे संग्रह हैं इनके, बोलते चित्र। देखिए, आज हमारे समाज में जो विकृतियाँ आई हैं या आदमी के बीच में जो डिफरेंसेस पैदा हुए हैं, सही माने में ये संवाद की कमी है और इस कमी को पूरा करता है साहित्य। तो साहित्य समाज का होता है और ये एक संवाद स्थापित करता है। दुष्परिणाम इसके ये होते हैं अगर ये साहित्य समृद्ध नहीं होता है, कि जब संवादहीनता होती है तो संवादहीनता से अविश्वास पैदा होते हैं, अविश्वासों से भय, और भय से एक आतंक जैसा बनता है, तो वो किसी का भला नहीं करता है। तो साहित्य वो विद्या है कि जो समर्थ है आदमी से आदमी का संबंध स्थापित करने में, संवाद स्थापित करने में और एक विश्वास में समरसतापूर्ण सद्भावपूर्ण समाज बनाने के लिए।